ओके तो मार्केट अभी थोड़ा सा आप लोग देखने की समझने की कोशिश करिएगा। एक बार मैं अपने पहले P&L दिखा देता हूँ। अभी मेरी करंट पोजीशन क्या है ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने अपनी ऑर्डर बुक जो पोजीशन मैंने एक्चुअली ली थी वो पोजीशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखी हुई है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने काम किया, जो कि मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ, और कभी क्वांटिटी के साथ मैं फालतू में मजाक नहीं करता हूँ। क्वांटिटी हमेशा मैं कंट्रोल में रखता हूँ। 25 क्वांटिटी बहुत सफिशियंट होती है आपको एक सस्टेनेबल प्रॉफिट्स जनरेट करके देने के लिए, अगर आप सही से ट्रेड कर रहे हो तो। एक बार ऑर्डर बुक में हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर बुक में क्या हिसाब किताब है, उसके बाद से एक बार डिस्कशन करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर मैंने पंच किया हुआ है 243 के आसपास में किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पोजीशन का चार्ट, तो चार्ट में आपको क्या समझ में आ जाएगा कि बहुत ही अर्ली मतलब एक्यूरेट एंट्री इसमें मुझे करनी पड़ी थी। देखो मार्केट जो जब खुल रहा था फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मेरी एंट्री हो गई थी, और इवन ये कैंडल फॉर्म भी नहीं हुई थी। तो 5 मिनट में मैंने क्या देखा था ट्रेडर्स, वो एक बार मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट क्रूशियल लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, ये तो आज हम सभी को पता था। मैंने आप लोग को ऑलरेडी शॉर्ट्स में भी बताया हुआ था कि यहाँ से सपोर्ट आ सकता है। लाइन ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई थी। जैसे ही मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ से ये पुल बैक हो रहा है, इन द सेंस कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया और जब इसने रिवर्स करना स्टार्ट किया, तब मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री ली। ऑलरेडी मेरा 1:2 जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आप इस वीडियो को आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रेडर्स यहाँ पे अब आप लोग क्या करते हो, गलती गलती आप लोग करते हो, यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करते हो, तो गलत है। आपने अगर सही जगह पर ट्रेड लिया हुआ, अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरी बस 7 पॉइंट्स की एस एल है। 7 पॉइंट्स 25 लॉट पे कितना कम होता है, छोटा सा एकदम लॉस होता है, वो चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो जब आप अगर ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, उतना आपका पोटेंशियल है कि आज छोटे से स्टॉप लॉस में काम हो चुका है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की बजाय आप इसको होल्ड करो और कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप अपनी एसएल को लगा करके छोड़ दो। उससे होगा क्या, इन द केस अगर ये ट्रेड वापस घूम करके आ जाता है तो आपका कम से कम पैसा कोई लॉसेज में नहीं जाएगा। और यहाँ से जो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आएगा ना कि साइकोलॉजिकली ट्रेड को होल्ड करना कैसे होता है, वो चीज़ वो अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी। अभी मेरा क्या है, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊँ तो इन लेवल्स के नीचे मुझे पर्टिकुलरली क्लोजिंग मिलती है, तब मैं अपने ट्रेड को आइदर एग्जिट कर दूंगा या तो फिर बुक प्रॉफिट कर दूंगा या तो फिर मैं इसको डे लॉन्ग के लिए छोड़ दूंगा। दूसरी चीज़ ट्रेडर्स, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आधे लोग जो होंगे वो यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप उन्होंने कैंडल पे इसी कैंडल के आसपास पे जब ये कैंडल क्लोज हुई होगी तो उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप की होगी, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो खुद इतना होगा। तो वो लोग टारगेट कैसे लगाएंगे, वो लोग कहेंगे कि भाई हमें 1:2 चाहिए, उसके हिसाब से लेट से यहाँ कहीं पर उन्होंने एंट्री ली हुई है, वो अपना यहाँ पे एस एल लगाएंगे, और इसके हिसाब से जो टारगेट बनता है ट्रेडर्स 1:2 अगर हम लोग देखें तो इन लेवल्स के आसपास में कहीं भी बनता है। अभी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, तो आप में हमें टारगेट पीछे देखने से नहीं मिलेगा, हमें जो बेसिक चीज़ें उनको फॉलो करने के साथ ही हम लोग अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर यहाँ तक जा सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेड को होल्ड करने में, तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार समझना सीख जाओगे। और ट्रेड को अगर आप लोग ये सीख जाओगे कि साइकोलॉजिकली क्या होता है, कैसी चीज़ों को वर्कआउट करना चाहिए, तो आप अनडाउटली मार्केट में पैसा बनाना आपको आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है। इस लर्निंग वीडियो को अगर आप लोग और आगे देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, आपको ये सिखाना मेरा मेन इम्पैक्ट है। जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर जो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, उनको हम लोग को दिखाना है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है और अच्छा पैसा बनता है। ये मेरा मोटिव इन सारी वीडियोस को बनाने का। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।